नमस्कार दोस्तों। तो आप सोच रहे होंगे मैं मास्क पहन के वीडियो क्यों बना रहा हूँ। मैं मास्क पहन के वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपको ये बताना बहुत ही जरूरी है कि कोरोना वायरस कहीं से भी किसी भी तरह से आ सकता है। अगर आप सोचो कि मास्क पहनने के बाद, सैनिटाइजर की बोतल हाथ में लेने के बाद मुझे कुछ नहीं होगा और मैं बाहर जाके घूम सकता हूँ, तो ये आपकी गलतफहमी है। सब प्रोटेक्शन लगाने के बाद भी बाहर घूमना सेफ नहीं है किसी भी तरह से। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर बहुत जरूरी काम है तभी बाहर निकलिए, अन्यथा मत निकलिए, क्योंकि सारे प्रोटेक्शन के बाद भी 100% श्योर नहीं हो सकते कि आपको ये वायरस लग सकता है या नहीं लग सकता, ये कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, जिस तरह आपने देखा सौरभ जोशी ने, मैं मास्क हटा देता हूँ, जिस तरह से आपने देखा सौरभ जोशी ने सारे व्लॉग्स में इतने सारे प्रोटेक्शन लगाने के बाद भी उनको कोरोना वायरस हो चुका है, जिसमें आज मैंने सुबह की वीडियो में आपको बताया था। पर अभी ये वीडियो मैं आपको इसलिए बना के बता रहा हूँ, अभी का वीडियो खास इसलिए है क्योंकि अभी मुझे पता चला है उनकी स्टोरी से कि वो बिल्कुल ठीक है अभी इस वक्त, और उन्हें जरा भी प्रॉब्लम नहीं है, जरा भी क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं है वो। अभी उनकी हालत बिल्कुल ठीक है, उनकी नहीं उनकी पूरी फैमिली की बिल्कुल ठीक। मैं आपको और कुछ बताने से पहले आपको कुछ दिखा देता हूँ। सौरभ जोशी का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, मैं उस पर लेके चलता हूँ आपको। ये सौरभ जोशी का इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पे लेके चलता हूँ। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो आपको एक स्टोरी दिखेगी। ये स्टोरी इन्होंने नहीं लगाई है, इन्होंने जिस इनके जो भाई है जिनका नाम नवीन जी है, इनके जो भाई है नवीन जी, उन्होंने स्टोरी लगाई थी। उन्होंने ही इनका सारे टेस्ट करे हैं, वो इनके फैमिली डॉक्टर की तरह ही है। और उनके आईडी पे लेके चलता हूँ, नवीन जी की आईडी पे। यहाँ पे देखिए नवीन जी की आईडी, 11.5K फॉलोवर्स है इनके, बहुत जल्दी ग्रो हुआ है इनके फॉलोवर्स। कल मैंने जब देखे थे तो इनके 1.5K थे, मतलब 1,000 1.5 हजार फॉलोवर्स थे, और आज इनके 11,000 फॉलोवर्स हैं। इन्होंने ये स्टोरी लगा रखी है। डोंट पैनिक गाइस, सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल नाउ, एवरीवन इज फीलिंग बेटर नाउ, वी नीड योर सपोर्ट, प्लीज डोंट स्प्रेड हेट और फेक न्यूज। तो इन्होंने साफ बोला है कि जो सौरभ जोशी को लेकर, सौरभ जोशी ने, मैंने जैसा कि आपको बताया था, उन्होंने कल रात को ही अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अनाउंस कर दिया था कि उनको कोरोना वायरस हो चुका है। तो कुछ लोगों ने हेट फैलाना चालू कर दिया, फेक न्यूज फैलाना चालू कर दिया, और कुछ व्यूज के चक्कर में, कि पता नहीं, मैंने तो अभी तक ऐसी कोई न्यूज देखी नहीं है, पर इनकी पोस्ट देख के लगता है कि बहुत लोगों ने गलत गलत पोस्ट बना के डाली है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, किसी के बारे में गलत न्यूज नहीं फैलानी चाहिए। अगर आपको कुछ पता है तो ही बताइए, और मेरे को भी जो दिखता है मैं वही आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। अपनी तरफ से जोड़ के लगा के जो बता रहा हूँ वो आपके सामने है, और अगर आपको बिलीव नहीं होता तो इनकी इंस्टाग्राम पे आईडी पे जाके देख सकते हैं, सौरभ जोशी की, नहीं तो ये नवीन जी की जो आईडी है इस पर जाके देख सकते हैं। और एक बार फिर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, एक बार जरूर आपको बोलना चाहता हूँ, मास्क जरूर लगाए, और मास्क ही है कि मास्क लगाने से आप सुरक्षित है, आप बाहर घूम सकते हैं, बिल्कुल जरूरी काम होने पर ही बाहर जाए। अगर आपको कोई जरूरी काम नहीं है तो बाहर ना जाए कि मैंने मास्क लगा रखा है, मेरे हाथ में ग्लव्स है, और मैंने सैनिटाइजर की बोतल ले रखी है, तो मुझे कुछ नहीं होगा। फालतू बाहर ना घूमे, जरूरी काम होने पर ही बाहर जाए, और जितना हो सके अवॉइड कीजिए बाहर का खाना, बाहर के लोगों से मिलना, तो आप सुरक्षित रहेंगे। और स्टे होम स्टे सेफ, मैं यही कहना चाहता हूँ। और सौरभ जोशी की तरफ से जो भी अपडेट आएगी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। और अभी वो बिल्कुल ठीक है, उनको कोई, उनके फैमिली को कोई क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं है, सब सेफ है। और इस पोस्ट से ये पता चल चुका है कि वो बिल्कुल सेफ है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो आप जाके देख सकते हैं, अगर आपको बिलीव ना हो तो मैंने आपको दे दिया है। और अगर अगर इनका इंस्टाग्राम आईडी नहीं मिलता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी आईडी का लिंक दे दूंगा, आप जाकर वहां देख सकते हैं। तो गाइस बाय, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अब तो अच्छी खबर मिल चुकी है कि सौरभ जोशी खतरे से बाहर, उनको ज्यादा कुछ सीरियस प्रॉब्लम नहीं हुई थी, वो तो थोड़े थक गए थे, कमजोर हो गए थे, और अभी इंफॉर्मेशन जो मिली है स्टोरी से उससे तो थोड़ा अच्छा लग रहा है कि वो उस सिचुएशन से बाहर है, मतलब एक तरह से कोरोना नेगेटिव हो जाएंगे जल्दी। और आई होप उनके पास कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट जल्दी आ जाए और जल्दी से ब्लॉग बनाने लग जाए, बस मैं तो यही चाहता हूँ। और आप सबका प्यार उनके साथ यही बना रहे, और मेरा भी प्यार उनके साथ यही है। तो बाय बाय गाइस।